अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में बेइज्जत होने का ठेका ले लिया है। हर दिन किसी न किसी रूप में बेइज्जत होते हैं और फिर अगले दिन वो नए जोश के साथ बेइज्जत होने के लिए तैयार रहते हैं। राजनीति हो या न्यायपालिका की चौखट, हर जगह केजरीवाल बेइज्जत होने का कीर्तिमान रच रहे हैं। देश की राजनीति के स्वयंभू कथित सुधारक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी और अपनी पार्टी के विस्तार के लिए झूठे और भ्रामक आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन केजरीवाल कहते थे कि वो झूठ नहीं तथ्य आधारित आरोप लगाते हैं, लेकिन देश के एक राज्य के उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अदालत ने अपनी बात कहते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है और उनकी याचिका भी निरस्त कर दी है। आखिर क्या है पूरा मसला और मोदी के खिलाफ किस कोर्ट में पहुंचे केजरीवाल और क्या कहते हुए कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया है, बताएंगे आपको सब कुछ इस खबर में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम मोदी की शैक्षणिक अयोग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है। केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा के अंदर कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं, वो देश के कम पढ़े लिखे पीएम हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम सिर्फ 12वीं पास है। आम आदमी पार्टी देश भर में पीएम की पढ़ाई लिखाई पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत पीएम मोदी की एमए की डिग्री देने का आदेश जारी किया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने बिना गुजरात विश्वविद्यालय को नोटिस दिए हुए ही ऑर्डर पास कर दिया था। अब कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करके केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। अब केजरीवाल जो भी कहें, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की भारी फजीहत हो रही है। केजरीवाल को समझना होगा कि निजी और राजनीतिक फायदे के लिए देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा उनकी पार्टी को सियासी तौर पर भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।